देखिए, MPCL की तरफ से दुग्ध उत्पादनों को बढ़ावा देने के लिए करीब 6 दिन पहले बसोड़ी से एक बस भेजी गई, जिस महिलाओं को भेजा गया था जलंधर ट्रेनिंग के लिए। वो महिलाएं ट्रेनिंग लेकर आई हैं, प्रशिक्षण लेकर आई हैं। क्या प्रशिक्षण उनको मिला है दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, हम उन्हीं से बात करेंगे। आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशा राजपूत है और हम बसोली ब्लॉक से, डिस्ट्रिक्ट हुआ से, JKMPCL की तरफ से इधर जलंधर गए थे NDDP में। तो हमें वहाँ बहुत अच्छा लगा, वहाँ की शिक्षा प्राप्त करके वहाँ के प्रिंसिपल ने हमें इतने अच्छे से पढ़ाया और मतलब कि जो बाहरी दृश्य था वो भी इतने अच्छे से दिखाया। बस आगे उन्होंने हमें गायें दिखाई, मतलब साहिवाल, गौशाला दिखाई हमें। तो उसमें मतलब कि इतने अच्छे से उन्होंने प्रबंध किया हुआ था कि जो फार्मर के आगे मतलब कि नॉलेज के लायक बात है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि आगे से मतलब कि जैसे HF गायें हैं तो उनको छोड़ के फार्मर जो हैं साहिवाल गायें, जहाँ मतलब अपनी जो देसी गायें हैं वो रखें और उनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, क्योंकि जो HF हैं वो खाती ज़्यादा हैं और दूध कम देती हैं, और जो देसी गायें हैं वो क्या करती हैं कि खाती कम है और दूध ज़्यादा देती हैं। प्रशिक्षण, जैसे आपने प्रशिक्षण की बात की, तो क्या वहाँ पे सिखाया गया दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना, किस तरह से देना है? सर वो क्या बोलते हैं, जो भी हमें सिखाया गया वो प्रैक्टिकल दिखाया गया कि खाद कैसे बनाते हैं, दूध उत्पादन कैसे बढ़ता है, कैसे बढ़ाएंगे, फार्मर को कैसे आगे आगे मतलब कि यहाँ ट्रेनिंग लेके आगे आगे क्या क्या शिक्षा मिलती है। हाँ, वो जो भी हमें बताया वहाँ प्रैक्टिकल बताया। और हम JKMPCL की तरफ से मुश्ताक सर और CEO सर का हार्दिक वो अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने हमें मतलब कि इतना मौका दिया, इतनी लेडीज़ को मौका दिया जलंधर जाने का, और हमें मतलब कि कुछ सीखने का मौका मिला। आपका? मेरा नाम नेहा है जी। हमें CEO सर, JKMPCL के CEO सर और मुश्ताक सर के द्वारा हमें जलंधर NDDP में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था, जहां हम सभी महिलाएं गए थे। वहां पे इतना अच्छा, वहां के प्रिंसिपल सर डॉक्टर श्रीकांत साहू, जिन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ पढ़ाया, सिखाया कि हमें कैसे पशुपालन करना चाहिए और किस तरीके से हमें पशुपालन करना चाहिए और किस तरीके से पशुओं को बीमारी से बचाना चाहिए, ये सब शिक्षा उन्होंने बहुत अच्छे से दी। और आगे पीछे का भी उन्होंने बहुत कुछ, कृषि विज्ञान केंद्र वहाँ पे भी हमें दिखाया उन्होंने कि वहाँ पे क्या क्या होता है और कैसे होता है, क्या हमें करना चाहिए, हम फार्मर्स को कैसे कैसे आगे बढ़ना चाहिए। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि JKMPCL के जो CEO सर हैं और मुश्ताक सर और हमारी टीम लीडर मीनाक्षी मैम, इनका मैं बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ कि हमें वहाँ जाने का मौका मिला और हमने ये सब शिक्षा प्राप्त की। ये बताएं, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने की जैसे बात की गई है, तो रोज़गार में किस तरह से शामिल किया जा सकता है इसको, किस तरह से आमदनी बढ़ा सकती है? आमदनी हमें उन्होंने बताया कि हमें साहिवाल देसी गाय को अपनाना चाहिए, उससे हम मतलब कि हम सब की सेहत के लिए भी वो दूध पीना अच्छा है, और उसको हम अपनाएंगे तो खर्चा भी कम होगा, खाने पीने का भी उनका जो खर्चा है वो कम है, और उनकी दूध की क्वालिटी बहुत अच्छी है जो कि हमारे देश को। कितनी क्वांटिटी रहती है साहिवाल गाय की एक दिन में? उसकी क्वांटिटी सर 10 kg। कितना फैट, उसमें फैट कितना रहता है, उसका आदर कितना? सर फैट का तो नहीं पता, लेकिन अच्छा मतलब बेस्ट क्वालिटी होती है जो वो है। मेरा नाम सुष्मिता सिंह है। क्या सीखा है? हमने वहाँ पे, हम JKMPCL की तरफ से, हम सब बहनें NDDP की ट्रेनिंग के लिए 5 दिन के लिए जलंधर गए थे। वहाँ पे हमें, जब हमारे अभी जो 5 दिन का जो हमारा सफ़र है वो समाप्त हो गया, और इस सफ़र के दौरान हमने वहाँ पे बहुत कुछ सीखा, जैसे कि गाय को कैसे रखा जाता है, उसके लिए शेल्टर होम कैसा होना चाहिए, उसको कैसे पालना चाहिए, उसके खान पान का कैसे ध्यान रखना चाहिए। जैसे उस गाय का गोबर है उसको हम ऐसे फेंक देते हैं, उसका कोई यूज़ नहीं करते हैं, उसके हम कैसे खाद बना सकते हैं और उसको भी अपने कृषि में काम ला सकते हैं। तो वहाँ पे हमने कृषि विज्ञान केंद्र भी देखा, जो कि हमें पता नहीं था कि कृषि विज्ञान केंद्र भी होता है। वहाँ पर हमने कृषि विज्ञानिकों के साथ बात भी की, उन्होंने हमें NDDP की जो स्कीमें हैं उनके बारे में बताया कि ये स्कीमें होती हैं। उसके बाद उन्होंने हमें और भी बहुत सारी, जैसे
जैसे बकरी पालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, सोलर सिस्टम, ये सब कुछ दिखाया। तो उनके साथ भी हमारा सफ़र बहुत अच्छा रहा। उसके बाद हमने एक कामधेनु गौशाला है वहाँ पर गए, वहाँ पर जाके हमने साहिवाल गाय देखी। साहिवाल गाय जो कि हमारी देसी गाय है, हम लोग क्या करते हैं कि अपनी देसी गायों को छोड़कर HF गाय की तरफ रुख अपनाते जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि अपनी जो देसी गाय है इनका दूध भी हमारे लिए स्वादिष्ट है और इनका हमारे सेहत पे भी उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो आप हमारी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी जो बहनें हैं वो HF गाय को छोड़ के देसी गाय को अपनाएं। वहाँ पे हमें बहुत अच्छा लगा उस आश्रम में जाके, इतना अच्छा लगा। उसके बाद उन्होंने हमें फीड फैक्ट्री दिखाई कि फीड हम अपनी गाय के लिए कैसे फीड बना सकते हैं, उनका संतुलित आहार कैसे बना सकते हैं, आपको अपनी गाय को कौन सी फीड देनी चाहिए, कौन सी नहीं देनी चाहिए, इसके बारे में भी उन्होंने हमें बताया। उसके बाद वो हमें फैक्ट्री में ले गए, दूध फैक्ट्री में। वहाँ पर उन्होंने हमें सिखाया कि हमें दूध की उत्पादन कैसे होता है, जहाँ से दूध बेचते हैं तो उसको वहाँ पर कैसे पैकिंग की जाती है, वहाँ पे उसका कैसे पनीर बनाया जाता है, घी बनाया जाता है। उन्होंने हमें हर एक चीज़ बारीकी में समझाई। तो और हमारे जो हमारा ध्यान था वो भी बहुत अच्छे से रखा उन्होंने, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद हमें JKMPCL के जो CEO साहब हैं और हमारे जो मुश्ताक सर हैं, उनका अपने हृदय से अभिनंदन करती हूँ, उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें जलंधर जाने का मौका दिया और NDDB की जो ट्रेनिंग है उसके लिए वहाँ भेजा। तो मैं अपनी सभी बहनगणों से की तरफ से उनका धन्यवाद करती हूँ। महिलाओं को, जो अन्य महिलाएं हैं आपके गांव में, वहाँ पे क्या सिखाएंगे उनको? हम यही सिखाएंगे जो हमें वहाँ पे ट्रेनिंग मिली, जैसे हमें ट्रेनिंग मिली है, हम भी चाहेंगे कि हम भी उन्हें वैसी ट्रेनिंग दें, उनको समझाएं कि आप अपने जो घर में है ऐसे शेल्टर होम बनाओ, ऐसे ये वाली खाद अपनाओ, ये वाला। क्या नाम है आपका? शिवाली। एज क्या है आपकी सबसे पहले? 22। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मेरी ग्रेजुएशन कम्प्लीट। रोजगार के साधन से ये काम सीख रही है कि या शौक है, क्या? रोजगार के साधन से। हाँ जी। तो ये बताएं क्या सीखा वहाँ पे जाके? हमने बहुत कुछ सीखा वहाँ पे जाके। हमने गायों के पालन पोषण के बारे में सीखा कि उनको किस तरह की फीडिंग देनी चाहिए, किस तरह उनका पालन पोषण करना चाहिए, हमें किस तरह उन्हें रखना चाहिए, किस टाइम टू टाइम कैसे उनकी देखभाल करनी चाहिए। और हमने वहाँ पे बहुत कुछ देखा। हमने वहाँ एक केंद्र में गए थे, वहाँ कामधेनु जो आश्रम था वहाँ गए हम। गाय देखी वहाँ हमने, तरह तरह के ब्रीड देखी गाय की। एक देखी हमने साहिवाल गाय, जो कि सबसे बेस्ट गाय है, वो देसी गाय है। वो उन्होंने बोला कि वो जो ये जो गाय है इसको रखने से जो कि है इसके बेनिफिट्स है बहुत, उसके HF से कंपैरिजन ये जो गाय है ये अच्छी है, दूध देने में भी अच्छी है, इसका खर्चा भी कम है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस गाय का प्रचार करें और इसको रखें घर पर, इसका बेनिफिट होगा, अपनी हेल्थ को भी होगा और सब चीज़ों में। साहिवाल गाय की आपने बात की, आपने हमारे क्षेत्र में पाई जाती है? ये हमारे पहले हुआ करती थी, अभी बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो अब उन पर उस गाय पर जो है वो ज़्यादा फोकस दिया गया कि ये ज़्यादा लाभ देगी? हाँ जी, उसमें ज़्यादा। किस तरह का मैसेज रहेगा युवाओं के लिए? मेरा मैसेज उनके लिए यही रहेगा कि अगर आपने रखनी है तो वही गाय रखें और उससे अपना लाभ लें, क्योंकि वो अच्छी गाय है, वो दूध भी अच्छा देगी और आपको लाभ भी देगी। इसमें जो दूध के क्षेत्र में जो गाय गोय रखने का ये जो बिज़नेस है ये ज़्यादा से ज़्यादा करें, इसमें क्या कि आपको लाभ होगा, इससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ होगा, इसका प्रचार करें और रखें गाय अपने घर पे और इसका लाभ लें। धन्यवाद।